ते हुण खबरां विस्तार नाल। दिल्ली सरकार अते एलजी विचाले टकरा दीआं खबरां लगातार सुरखियां विच ने। दिल्ली दे विच नौकरशाहां दे ट्रांसफर पोस्टिंग दा अधिकार एलजी नूं दित्ते जाण दे केंद्र सरकार दे ऑर्डिनेंस दे खिलाफ हंगामा मचिआ होइआ। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुण विरोधी नेतावां दे समर्थन लई लगातार कोशिशां कर रहे ने। इस सिलसिले विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र दे साबका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाल मुलाकात कीती। केजरीवाल की मुंबई यात्रा दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उन्होंने मौजूद रहे। केजरीवाल ने उधम नाल उनकी रिहायश उत्ते मुलाकात की। बैठक दौरान आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह और राघव चड्ढा भी उन्होंने मौजूद रहे। इस मौके ठाकरे ने केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की तानाशाही खिलाफ विरोधी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे, वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जागने के जगाने के लिए एक साथ आए हैं। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से, हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकारों के लिए। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में, हमारी सरकार बनते ही मोदी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके। फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर 3 महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां छीन ली। 8 साल दिल्ली के लोगों ने लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 8 साल लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जिस दिन फैसला आया 8 साल की लड़ाई के बाद, उसके 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस छीन ली। तो जनतंत्र के अंदर जनता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए, जनता की चलनी चाहिए कि केंद्र की चलनी चाहिए? जनतंत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के, जो जनता मांगे वो काम कर सके, जनता के प्रति जवाब दे, तो चुनी हुई सरकार होती है। लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली। इसका मतलब ये साफ साफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड, तो एलजी कौन बनाता है? एलजी की कभी एलजी ने कोई जनता से कोई, या गवर्नर ने किसी जनता से कोई मैंडेट लिया? नहीं लिया। अपनी मर्जी का गवर्नर लगा दिया, तंग करो चुनी हुई सरकार को। अगर सरकार इनकी नहीं बनी, देश को बचाना है, अगर सभी को इकट्ठे होना पड़ेगा। हाँ, कुछ विचारक मतभेद होंगे कई पार्टियों के देश में, लेकिन देश बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर देश ही ना बचा तो फिर पार्टियाँ क्या करेंगी? पार्टियों का प्रधान बन के, मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे जब देश ही ना रहा? 24 में अगर ये आ गए, ये संविधान बदल देंगे। और ये जिस तरीके से चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल आने वाले दिनों में नरेंद्र पुतिन बनने वाले हैं ये।